नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर, दीपक इकोनॉमिक्स के इस लेक्चर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पे हम मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज का, वो आज हम कर चुके दोस्तों, वो मॉर्निंग में मैं इसको डिस्कस कर चुका, उसका जो वीडियो है वो भी हम हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज है दोस्तों 3 अगस्त, तो इसके बाद क्या, इसके बाद तो जो मैं कई बार बता रहा था डेली इकोनॉमी न्यूज़ तो हम डिस्कस करते ही करते हैं, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट अगर कोई घटना होती तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आज एक इंपॉर्टेंट घटना है, वो है नू में वायलेंस का। आप सब लोगों ने अब तक इसको सुन लिया होगा कि हरियाणा पिछले 3-4 दिन से बेसिकली 31 जुलाई से ये जल रहा है, तो वहाँ पर क्या हुआ सब कुछ उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले आप न्यूज़ देखिए, व्हाट हैपेंड इन हरियाणा ऑन मंडे मतलब 31 जुलाई को ऐसा क्या हुआ हरियाणा के स्पेशली नू में 3 घंटे में, जिसमें क्या हुआ दोस्तों, बेसिकली जो बात है ना 31 जुलाई से इसकी शुरुआत है। 31 जुलाई को जो हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, नू, ये नू डिस्ट्रिक्ट भी है और सिटी भी है, इस नू में है ना कोई वायलेंस हुई और लगभग है ना उसमें 6 से ज़्यादा की डेथ होगी, 6 से ज़्यादा की डेथ हुई और 100 से ज़्यादा क्या हो गया उसमें इंजर्ड हो गया। इसके बाद उसमें करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ दोस्तों, उसको तो मैं यहाँ बता भी नहीं रहा ढंग से, इतनी बड़ी मात्रा पर यहाँ पर इतना उपद्रव हुआ। तो कई लोग इसको हिंदू मुस्लिम बता रहे हैं कि भाई बेसिकली हिंदू मुस्लिम राइट है। तो अब ये सब कुछ कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका कहानी पूरी हम आज यहाँ डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम अपनी घटना की तरफ जाएं, उसके पहले हम एक बार जो नू डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली पूरा जो ये इंसिडेंट हुआ है ना बेसिक सबसे मेन जो नू में हुआ है, तो हम नू के ज्योग्राफी देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो आप जो ये हरियाणा का मैप है, ये हरियाणा का मैप में देखो, आप देखो सबसे नीचे जो साउथ में है ना ये दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिकली ये नू डिस्ट्रिक्ट है, नू डिस्ट्रिक्ट है, इसके बॉर्डर पर आप देख सकते हैं बिल्कुल गुड़गांव है, ये गुड़गांव या गुरुग्राम कहते हैं इसको, इसके साइड में ये पलवल है। तो बेसिकली हरियाणा में इसके जो दो डिस्ट्रिक्ट इसके टच हो रहे हैं, एक तो गुरुग्राम है, एक पलवल है। साइड में दोस्तों ये जो हम देख रहे हैं ना खाली जगह, ये बेसिकली राजस्थान है, ये बॉर्डर पे है, राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर पे बसा हुआ है नू। राजस्थान का जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये दोनों की इससे बॉर्डर टच होती है। तो थोड़ा आप जब ज्योग्राफी समझोगे तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा है ये बेसिकली साउथ हरियाणा है, ये हरियाणा का भी अगर मैं उसको कहूँ तो ये साउथ हरियाणा है, साउथ हरियाणा है जो दिल्ली के बिल्कुल पास है। जो नू डिस्ट्रिक्ट है वो दिल्ली से बहुत दूर नहीं, दिल्ली से मुश्किल से 50 किलोमीटर के आसपास है। तो ये देख सकते हैं आप नू के बाद में बॉर्डर पर गुड़गांव, गुड़गांव के पास में ये पलवल डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। इसी नू के बॉर्डर पर जो राजस्थान की बॉर्डर है, राजस्थान का बेसिकली अलवर एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इसके बॉर्डर टच होता है। एक बार आप मोटा मोटी समझ जाओ, इस एरिया को दोस्तों मेवात भी एरिया कहते हैं, अगर आप लोगों ने पुराना कभी नाम सुना हो तो मेवात का एरिया, बेसिकली जो मेवात एरिया कहते हैं ना वो 3 स्टेट में पड़ता है। एक तो हरियाणा में ये सबसे ज़्यादा, इसको हरियाणा में जो मेवात एरिया का सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट हरियाणा में पड़ता है, इसमें नू डिस्ट्रिक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये मेवात एरिया पड़ता है। राजस्थान का में भी दोस्तों मेवात एरिया शामिल है, राजस्थान का जो अलवर एंड भरतपुर है, पूरे डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं दोस्तों, अलवर एंड भरतपुर की कुछ तहसील या कुछ ब्लॉक मैं कहूँ इसमें शामिल है। जैसे कि अलवर का एक ब्लॉक है तिजारा, ये तिजारा इसमें मेवात एरिया में आता है। ऐसे भरतपुर का एक ब्लॉक है कामा भी इसमें शामिल होता है। तो अलवर भरतपुर की कुछ तहसीलें भी राजस्थान की मेवात एरिया में शामिल है। इसके अलावा यूपी का थोड़ा सा पार्ट, स्पेशली यूपी में एक तहसील है छाता, मथुरा का पार्ट है छाता, ये छाता तहसील को भी क्या किया जाता है मेनली मेवात एरिया में शामिल किया जाता है। तो हमने अभी देखा कि जो मेवात एरिया है मोटा मोटी सबसे ज़्यादा हरियाणा में पड़ता है, इसमें क्या होता है जिसका जब सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है नू डिस्ट्रिक्ट में, उसके बाद राजस्थान के 2 जिले अलवर भरतपुर की कुछ तहसील शामिल है, इसके बाद इसमें है ना यूपी का छोटा सा पार्ट स्पेशली छाता के आसपास का एरिया इसमें शामिल है दोस्तों। आजकल अगर आपने सुना हो तो मेवात एरिया जो बेसिकली साइबर क्राइम के लिए बदनाम है, वो आते हैं ना फोन कॉल आते हैं और फोन आपका पैसा अकाउंट से काट लिया जाता है, उसमें से आज के डेट में पूरे इंडिया में अधिकांश जितने भी साइबर फ्रॉड हो रहे हैं दोस्तों वो 2 जगह से हो रहे हैं। जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं वो बेसिकली 2 जगह से हो रहे हैं पूरे इंडिया में अधिकांशतः। एक तो झारखंड का जामतारा एरिया है, जामतारा, इस पर आपने एक वेब सीरीज बनी हुई है बहुत अच्छी, फ्री वो जरूर देखें,
जामतारा पर एक वेब सीरीज बनी हुई है, उसमें पूरी कहानी ये बताते हैं साइबर क्राइम की, फोन पे कैसे पागल बना के आपके अकाउंट से पैसा निकाल देते हैं। एक इसका जो नया लेटेस्ट में गढ़ बना हुआ है वो बेसिकली मेवात बना हुआ है, तो इसलिए कई बार मेवात साइबर क्राइम के लिए भी चर्चाओं में रहता है। अब दोस्तों मेवात का जो नाम पड़ा वो बेसिकली पड़ा मेऊ मुस्लिम, मेऊ से, मेऊ मुस्लिम समुदाय एक एथनिसिटी है बेसिकली। ये मेऊ बेसिकली है ना पहले हिंदू ही थे, मेऊ क्या थे बेसिकली हिंदू ही थे। हिंदू में कई लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि राजपूत थे, कुछ लोग कहते हैं कि मीणा समुदाय मीणा जाति से थे, कुछ कहते हैं ये गुर्जर थे, पर हो सकता है ये तीनों में से कुछ कुछ रहे हो, लेकिन मोटा मोटी पहले ये जो मेऊ समुदाय थे वो हिंदू ही थे दोस्तों। बाद में जो मिडिल पीरियड है मध्यकालीन सल्तनतकालीन भारत है स्पेशली फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर, यहाँ मेवाड़ के एक राजा थे नार खान करके, उन्होंने क्या किया था इस्लाम कबूल कर लिया था। तो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर इस्लाम कबूल कर लिया, लोगों ने अपना कन्वर्जन कर लिया। लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा दोस्तों, ये मेऊ थे ना, मेऊ ने लगभग 13 और 14 सेंचुरी में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इसके बाद भी इसमें क्या थे आज़ादी तक 1947 तक ये जो मेऊ थे दोस्तों ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का गुण पालन करते थे, हिंदू साथ में मुस्लिम दोनों ट्रेडिशन पालन किया करते थे। मुस्लिम की तरह पूजा किया करते थे तो हिंदू की तरह त्यौहार मनाते थे, हिंदू की तरह ये होली मनाते थे, ये दिवाली सेलिब्रेट किया करते थे। इसके अलावा इनमें है ना मेऊ में गोत्र में शादी नहीं होती थी, जबकि मुस्लिम समुदाय गोत्र में शादी अलाउड करता है दोस्तों, लेकिन इसके बाद भी इनमें हिंदू की जो एंसेस्ट्री या हिंदू पूर्वज के कारण ये अपने समान गोत्र में शादी नहीं करते मेऊ कभी भी, और ये साथ में होली दिवाली वगैरह भी मनाए जाते थे। मुझे याद है हमारे साइड पर जो मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ वहाँ पर कुछ जो एक्चुअली अगला मनोथला का एरिया है वहाँ पर भी कई मेऊ के गाँव हैं आज भी हैं। वो पुराने लोग बताते हैं कि एक ज़माने में लगभग 30-40-70 के दशक तक भी जो मेऊ थे वो दिवाली पर बेलों की पूजा क्या करते थे, जैसा अपने हिंदुओं में नहीं होता कि दिवाली पर बेलों की पूजा, ऐसे ये मेऊ समुदाय भी दिवाली पर बेलों की पूजा करते थे। लेकिन बाद में आज़ादी के बाद सब कुछ बदल गया दोस्तों, 1947 के बाद कई सारे फिर मुस्लिम जो संस्थाएं वो आगे आई और इनको क्या किया, इनको कि जो आप में ये दूसरे गुण है ना हिंदू वाले इसको कम करो इसको हटाओ, तो इसके लिए कई सारी संस्थाओं की स्थापना हुई। एक आपने बहुत फेमस सुनी होगी तबलीगी जमात, बेसिकली कोविड के टाइम पर ये चर्चा में रही थी, इसकी स्थापना इसलिए हुई थी जो ये मेवात के मेऊ है ना मेऊ, इनको मुस्लिम बनाना, ट्रू मुस्लिम बनाना, जो इस्लामीकरण कह सकते हैं हम इनको ट्रू मुस्लिम बनाना, इनके अंदर जो हिंदू के गुण है ना उसको कम करना और जो मुस्लिम का गुण ज़्यादा बढ़ाना। तो हालांकि ये लगभग सफल रहेगी, आज के डेट में इन्होंने क्या करा लगभग जो मेऊ है वो लगभग, अब मैं इसको कहीं दर्जा देने वाला कौन होता हूँ, लेकिन आज के डेट में हिंदुओं के गुण में बिल्कुल नहीं मौजूद है, लगभग 1947 के बाद से धीरे धीरे ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई और आज के डेट में ये लगभग जैसे बाकी दुनिया के मुस्लिम है वैसे ही मुस्लिम बन चुके हैं, और हिंदुओं की जो परंपरा है वो लगभग छोड़ दी इन्होंने, कुछ किसी में कुछ हो तो अलग बात है। एक जमाने तो इनके नाम भी ऐसे होते थे दोस्तों, हिंदू मुस्लिम मिला के राम खान ऐसे इनके नाम होते थे मेवात में जो मुस्लिम के नाम ऐसे होते थे। और अभी हाल ही में राजस्थान के एक मिनिस्टर है जो बेसिकली मेवी थी जायदा खान जी, उन्होंने कहा कि जो हम मेऊ हैं हमारे पूर्वज राम कृष्ण है, भगवान राम और कृष्णा हमारे पूर्वज हैं, ऐसा उनका कहना था। तो ये मेऊ कहीं ना कहीं पहले राम कृष्ण को भी अपने पूर्वज मानते थे, लेकिन आज की डेट में अब स्थितियां बदल चुकी है, बेसिकली आज़ादी के बाद में ये तबलीगी जमात जैसे संस्थाओं ने धीरे धीरे इनको क्या किया थोड़ा सा इस्लामीकरण कर दिया। तो ये मोटा मोटे हम मेऊ के बारे में पूरी कहानी अब तक समझ चुके हैं। ये मैप आपने देख लिया था, अलवर भरतपुर की बॉर्डर अड़ती है, साथ में भी थोड़ा यूपी का भी इसका पार्ट। इसके बाद आप सबसे पहले न्यूज़ देखिए, न्यूज़ मैंने बताया था कि एक बेसिकली हुआ क्या था, 31 जुलाई को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, आप सब लोग जानते हो अभी सावन चल रहा है, सावन में क्या होता है यात्राएं निकलती, कई सारी यात्रा निकलती, तो विश्व हिंदू परिषद ने एक ब्रज मंडल जल अभिषेक यात्रा निकाल रहे थे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से। ये यात्रा बेसिकली जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है, न्यू सिटी है, न्यू सिटी के पास से एक मंदिर टेम्पल है, न्यू सिटी के पास से क्या है शिव जी का टेम्पल है, इस टेम्पल से यात्रा स्टार्ट होनी थी, फिर ये न्यू के बीच में से गुजर के लगभग वहाँ से 45 किलोमीटर दूर एक गांव में समाप्त होनी थी, विलेज में समाप्त होनी थी दोस्तों। तो ये पिछले 3-4 साल 5 साल से विश्व हिंदू परिषद द्वारा ये परंपरा चल रही है, ये कोई इसी साल की परंपरा नहीं कि इसी साल ये यात्रा निकाल रहे थे, यात्रा पिछले 3-4 साल से ब्रजमंडल जो जलाभिषेक यात्रा है वो निकली जा रही थी। तो जैसे ही दोस्तों ये यात्रा यहाँ शिव जी के टेम्पल से स्टार्ट हुई, नुई में 1-2 किलोमीटर जाते ही यात्रा पर क्या हो गया, पथराव स्टार्ट हो गया। इस पथराव में काफ़ी ज़्यादा पत्थरबाजी हुई,
कई लोग कहते हैं इसमें गोली भी चली, फायरिंग भी हुआ, फायरिंग हुआ, अरे ऐसा लगा कि प्री प्लान था, पहले से पत्थर तैयार थे, पहले से हथियार वगैरह तैयार थे। तो इस हमले में क्या हुआ, लगभग 6 लोग मर गए, 6 लोगों की डेथ हो गई दोस्तों, जिसमें एक होमगार्ड के जवान भी थे। बाकी कई लोगों ने वापस भाग के टेम्पल में शेल्टर लिया। आप सबको पता होगा टेम्पल की कहानी, टेम्पल में आश्रय लिया उन्होंने। बाद में रात को पुलिस गई यहाँ पर, पुलिस ने जाके इनको क्या किया, यहाँ से इवैक्यूट किया। इसके लिए फिर हाथों हाथ इनको क्या किया, पैरा मिलिट्री फोर्स वगैरह बुलानी पड़ी है। पूरी बात आपको याद होगी। तो ये पूरी इसकी एक शॉर्ट में कहानी थी दोस्तों। सबसे पहले आप देख सकते हैं 31 जुलाई को वीप और बजरंगदल जो संयुक्त रूप से एक शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जिसको क्या कहते हैं ब्रज मंडल जल अभिषेक यात्रा। इसमें हमला हुआ और 6 से अधिक की मृत्यु होगी, 100 से अधिक घायल हो गए। नू में फिर ये नू से स्टार्ट हुई दोस्तों। अब नू के से स्टार्ट हुई तो अगले दिन फिर ये गुरुग्राम में स्टार्ट होगी। गुरुग्राम में क्या हुआ कि नू के बदले में क्या हुआ, गुरुग्राम के मॉस्क्यू में मॉस्क पे अटैक हुआ, मस्जिद पे हमला कर दिया लोगों ने। और एक है ना जो वहाँ पर थे क्या कहते हैं उसको, मौलवी साहब, एक मौलवी साहब की डेथ होगी दोस्तों इस हमले में। तो इसके बाद गुरुग्राम में फैली, फिर हिंसा पलवल वगैरह कई जगहों पर हरियाणा के 3-4 डिस्ट्रिक्ट में ये फैल गई, और राजस्थान के अलवर और भरतपुर में भी, जहाँ महबूबले एरिया है हम सब जानते हैं उस बात को, वहाँ पर भी तनाव की स्थिति है, वहाँ पर भी तनाव की स्थिति है कि वहाँ भी हिंसा हो सकती है। तो अभी की डेट में लगभग हरियाणा के 3 से 4 जिले और राजस्थान के 2 जिलों में तनाव की स्थिति पैदा है। तो ये फिर इसके बाद मैंने मेवात एरिया के बारे में आपको बता दिया था। नू डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों क्या है, एक और बात ध्यान रखिए, नू डिस्ट्रिक्ट है ना बेसिकली हाईली मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया है। लगभग 80% जनसंख्या यहाँ की क्या है, मुस्लिम है, और 20% जनसंख्या मोटा मोटी यहाँ पर हिंदू है दोस्तों। जो इसका भी आपको एक बार डेमोग्राफी का आपको ध्यान होना चाहिए, तो आपको समझने में सुविधा रहेगी। तो ये जो नू एरिया है बेसिकली वहाँ 80% मुस्लिम है। इसके बाद मैंने बताया था मेऊ मुस्लिम के बारे में, मेऊ पूर्व में हिंदू थे, कुछ लोग कहते हैं राजपूत थे, कुछ कहते हैं मीणा समुदाय से थे, कुछ कहते हैं गुजर थे, लेकिन मोटा मोटी इस बात पर सब सहमत है कि ये हिंदू थे। बाद में मिडल में स्पेशली फिरोज शाह तुगलक के टाइम इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट हो गए, इस्लाम अपना लिया। एक राजा थे फेमस नार सिंह करके, उन्होंने इस्लाम अपना लिया था। जब राजा ने अपना लिया तो प्रजा तो अपने आप उसके पीछे पीछे चलती है। 1947 तक तो दोस्तों इनमें हिंदू जैसे लक्षण मौजूद थे, जैसे गोत्र में शादी नहीं करते थे, ये होली दिवाली सेलिब्रेट करते थे। आज़ादी के बाद कई सारी संस्थाओं की स्थापना हुई, स्पेशली ये तबलीगी जमात में बता रहा हूँ आपको, इसकी स्थापना इसलिए हुई कि जो मेवात के मुस्लिम है, मेऊ मुस्लिम, इनको सही में मुस्लिम बनाया जा सके, ट्रू मुस्लिम बनाया जा सके, इसलिए इसकी स्थापना होती तबलीगी जमात की। बीच में ये काफ़ी चर्चाओं में रही थी कोविड टाइम के टाइम पर दोस्तों। एक फेमस मेऊ थे, अगर आपने नाम सुना हो, इतिहास में पढ़ाओ, हसन खान मेवाती। ये हसन खान मेवाती दोस्तों राणा सांगा के साथी थे, राणा सांगा के साथी थे। और जो खानवा का युद्ध था, खानवा का युद्ध आपको पता होगा बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, बाबर वर्सेज राणा सांगा। तो इसमें ये राणा सांगा की तरफ से लड़े थे और युद्ध में ही मारे गए थे दोस्तों। तो ये हसन खान मेवाती राणा खान सांगा की तरफ से युद्ध में लड़े थे, खानवा के युद्ध में, और युद्ध में ही मारे गए थे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है ये हसन खान मेवाती। इसके बाद में अब दोस्तों बात, ये पूरी बात बता दी, ऐसा घटना हुई, ये हुआ, सब हुआ, लेकिन क्यों हुआ, वाई वाई इट इज हैपेंड, ऐसा क्या आग पड़ा, इतने सालों से शांति थी मोटा मोटी तौर पर नू में, तो लेकिन ऐसा अचानक से क्या हुआ कि इतना बड़े मात्रा में हिंसा स्टार्ट होगी। अब राइट मतलब फायरिंग हो रही थी, समझ लो बंदूकें हो गई वहाँ पर, तो ऐसा कैसे हुआ अचानक से, इतनी सारी बंदूकें कहाँ से आई, इतने सारे पत्थर कहाँ से आए, सारी कहानी। तो दोस्तों जो इसमें मैंने देखा, इस पर भी लोग बटे हुए हैं भारत में, तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जान की कोई कीमत नहीं है, उसकी भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। कुछ लोग क्या कह रहे हैं, कुछ लोग क्या कह रहे हैं, जनरली लेफ्ट विंग वाले, लेफ्ट विंग जो आइडियोलॉजी वाले, जनरली लेफ्ट पार्टी वगैरह होती है इसमें, राइट विंग वाले जो बीजेपी, राइट विंग वाले जैसे बीजेपी, बजरंगदल, विश्व हिंदू परिषद, इनका अलग कहना, और ये लेफ्ट विंग वालों का इनका अलग कहना है। ये कहीं ना कहीं इसको हिंसा को इतना ज़्यादा बुरा नहीं मान रहे, तो इसका हम रीजन देखेंगे। तो सबसे पहले जो इनका ही विदू देखते हैं, तो एक आदमी आता है दोस्तों मैदान में, वो है, अगर आपने नाम सुना हो तो, मोनू मानेसर। ये मोनू मानेसर इसी साल न्यूज में आए थे दोस्तों। इसी साल के स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इन्होंने राजस्थान से 2 मुस्लिम युवा थे, नासिर और जुनेद, ये नाम बहुत सुना होगा आपको, नासिर और जुनेद, बेसिकली ये गायें ले जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इसको मोनू मानेसर ने क्या किया, इन नासिर और जुनेद को गो तस्कर मान गया कि ये गो तस्करी कर रहे हैं, इनका किडनैप करके मर्डर कर दिया, किडनैप करके क्या किया, मर्डर कर दिया, मर्डर करके इनकी बॉडी जला दी, मोडी क्या करे बंद कर दी। तो बाद में इनकी लाशें जली हुई गाड़ी में कहीं मिली। तो ये दोस्तों, ये मोनू मानेसर ऐसा था, ये मोनू मानेसर बेसिकली स्वघोषित, स्वघोषित क्या है,
स्वघोषित गोरक्षक है दोस्तों ये, कि इन्होंने क्या कर रखा है, गोरक्षा का प्रण ले रखा है। तो इन्होंने ये नासिर जुनेद को गो तस्करी के आरोप में ऐसा माना कि गो तस्करी कर रहे हैं, इसको पकड़ के दोनों को जिंदा जला दिया और उसके बाद उसकी लाशें गाड़ी में डाल दी। तो दोस्तों इस पर पहले से ही ये जो बेसिकली जो ये नासिर जुनेद थे, बेसिकली ये मेवात एरिया के निवासी थे, तो इन पर इस पर राजस्थान में मर्डर के आरोप में FIR दर्ज है दोस्तों। राजस्थान पुलिस ने इसको मोनू मानेसर को गिरफ्तार करने का प्रयास भी किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये फरार हो गया और अभी तक भी क्या हो रहा है, इस गिरफ्तारी से बाहर है दोस्तों। राजस्थान के CM का कहना है कि हरियाणा में ये फरारी काट रहा है, वो हरियाणा पुलिस क्या कर रही है, हमारा कॉपरेट नहीं कर रही। अभी आज की न्यूज़ देखो आप तो राजस्थान के CM ने अपने फेसबुक पे लिखा है ये बात कि हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो हमारा बिल्कुल सपोर्ट नहीं करी, नहीं तो हम कभी तक कभी को इस मोनू मानेसर को अरेस्ट कर लेते। तो ये तो दोस्तों एक घटना है मोनू मानेसर की। इसके अलावा और देखो और कई सारी ये मेवात एरिया में घटना हुई है दोस्तों, जिसमें ये गो तस्करी के आरोप में कई सारी मॉब लिंचिंग हुई है, और ये कहीं ना कहीं पिछले 1-2 साल से, पिछले लगभग 2 साल से ये एक क्या था उस पर आग के, उस पर आग के ढेर पर, आग के भूसे पर बैठा हुआ था कहीं ना कहीं से। तो ये मेवात के लोगों में दोस्तों ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से इनमें काफी ज्यादा हेट का भावना है किसके प्रति, ये मोनू मानेसर के प्रति। क्यों है इसका रीजन आप समझ सकते हो, ये ज्यादातर जो गो तस्कर की आप में मुश्किल जो मुस्लिम युवा है उनको परेशान करता है, कईयों को जिंदा जला दिया, कई बार मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी इस एरिया में घटित हुई है। अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा एक जमाने में पहलू खान की घटना हुई थी, तो ऐसे कई जो ये एरिया है ना मेवात का, इसमें दोस्तों ये जो मॉब लिंचिंग की कई सारी घटना हुई है। तो इस वजह से ये पहले से क्या था, पहले से एक विलेन में था, फिर ये भड़काऊ भाषणबाजी किया करता था, भड़काऊ भाषण दिया करता था अपने फेसबुक चैनल पर, अपने इंस्टाग्राम चैनल पर भड़काऊ भाषण डाला करता था गो तस्करों के प्रति। तो इस प्रकार से इसको मेवात में पहले से इसके प्रति घृणा की भावना थी। अब दोस्तों क्या हुआ, जब 31 जुलाई को ये यात्रा होनी थी ब्रजमंडल यात्रा, तब इस मानेसर ने जो फरारी काट रहा है जेल में नहीं जा रहा, देखो जेल में नहीं डाला गवर्नमेंट ने अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सके, इसने एक वीडियो जारी किया और ये घोषणा करी कि मैं भी इसमें आई विल आल्सो पार्टिसिपेट इन शोभा यात्रा, कि मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करूंगा। क्या करी इसने, इसने एक वीडियो जारी करके घोषणा करी कि मैं भी इस यात्रा में शामिल होऊंगा और मेरे जितने भी सपोर्टर हैं हिंदुत्ववादी वो भी इसमें शामिल हो, ठीक है। इसके बाद ये तो ये मानेसर ने कहा, इसके बाद एक वो बिट्टू बजरंगी था दोस्तों, ये मानेसर का ही साथी, इसने भी एक वीडियो जारी किया, इसने भी क्या किया, एक वीडियो जारी किया और एक वीडियो में कहा कि भाई आप लोग सब लोग डरे नहीं, क्या बिट्टू मानेसर आने वाला है, बिट्टू मानेसर मेवात में आने वाला है, मेवात में आने वाला है और पहले टाइम बता के आ रहा है, ऐसा नहीं छिपके आ रहा है, बिल्कुल खुले में आ रहा है और बिल्कुल कल इसमें शोभा यात्रा में शामिल होगा। साथ में ये कह रहा है कि तुम्हारे जीजाजी आ रहे हैं, ऐसा करके इन्होंने वीडियो डाला, ये बहुत चर्चा में रहा ये वीडियो जीजाजी वाला, कि तुम्हारे जीजाजी कल वहाँ पर मेवात में आ रहे हैं और सबके सामने खुली छाती छोड़ी करके सबको बता के आ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ऐसा वायरल हो रहा था, इसके प्रति इसके अपोजिशन में कई सारे मुस्लिम यूथ, कई सारे मुस्लिम युवा ने भी वीडियो जारी किया धमकी स्टाइल में, क्या किया धमकी में, क्या अगर मोनू मानेसर को यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ऐसा चल रहा था पिछले दिन से ऐसा कई वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे दोस्तों सोशल मीडिया पर, अगर इसको आराम से देखा जा सकता है। सबसे बड़ी गलती यहीं पे हुई है, पुलिस की जो साइबर क्राइम विंग है, पुलिस की जो साइबर क्राइम होती है, साइबर क्राइम सेल इस चीज़ को पकड़ नहीं पाए, जिस प्रकार से वीडियो का अपलोड हो रहा था, वीडियो का प्रचार प्रसार होता, तो पुलिस की जो साइबर क्राइम है उसको पकड़ लेनी चाहिए थी बात कि यहाँ पर क्या हो सकती है, वायलेंस हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं साइबर क्राइम सेल से थोड़ी गलती हुई है। हो सकता है कई बार कई काम होते हैं नहीं बैठ पाता या फिर इतना नहीं अनुमान लगा पाते, तो अगर कहीं ना कहीं ये अगर साइबर क्राइम सेल अगर अनुमान लगा पाता तो ये इंसान को रोका जा सकता था और ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी की जा सकती थी। तो इस प्रकार से जब फिर ये पूरी घटना ऐसा माहौल बन गया था युवा पर मेवात क्षेत्र में कि हिंसा के लिए तैयार हो गए थे। तो फिर उसके बाद आप सबको पता है जैसे यात्रा शुरू हुई कई सारे हजारों की संख्या में भीड़ आई और उस पर क्या किया, यात्रा पर हमला कर दिया और यहीं से हिंसा की शुरुआत हो गई जिसमें कई सारे लोग मारे गए। पहले से तैयारी थी, प्री प्लान था, पत्थर वगैरह सब तैयार थे, पत्थर बंदूक वगैरह सब फायरिंग वगैरह हुई, तो ये तो बात तो यहाँ तक चल रही थी। इसलिए ये बात तो इन्होंने कही कि मोनू मानेसर वाली पूरी बात मैंने आपको बता दी, ये स्वघोषित क्या गोरक्षक है, FIR वगैरह सब दर्ज, फरार चल रहा है, इसने वीडियो जारी करके पूरा माहौल बना दिया ऐसा। पर दूसरी तरफ वीप का इनका क्या करना है, विश्वेंद्र प्रसाद का क्या करना है, कि भाई पहली बात तो मोनू मानेसर आया ही नहीं,
मोनू मानी सर नहीं आया। हालांकि पुलिस भी इस बात से सहमत है, पुलिस के भी अगर आप बयान पढ़ोगे तो पुलिस ने कहा कि मोनू मानी सर यात्रा में शामिल नहीं हुआ, यात्रा में शामिल नहीं आया, क्योंकि शायद उसको पहले ही मना कर दिया गया, कोई भी बात हुई। लेकिन वीप का ये कहना है और ये बात सत्य है, पुलिस भी ये मान रही है कि मोनू मानी सर उस यात्रा में आया ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस पर अटैक करने की यात्रा पर क्या जरूरत थी? दूसरी बात, अगर मोनू मानी सर कुछ भी कह रहा है तो उसको पुलिस एक्शन लेना, पुलिस उसको अरेस्ट करे। राजस्थान में उसके खिलाफ मर्डर के केस भी दर्ज है तो राजस्थान पुलिस अरेस्ट करे, कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन जो हजारों की जनता में, उसमें महिला भी थी, बच्चे भी थे, बूढ़े बुजुर्ग भी थे, सब पर इस प्रकार से बीट के द्वारा अटैक किया जाना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और क्या करेंगे, विश्व हिंदू परिषद ने कल पूरे इंडिया में, इस हमले के खिलाफ पूरे इंडिया में धरना प्रदर्शन किया, रैली वगैरह निकाली है, तो उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। दोस्तों ये था पूरा मामला, अब देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। फिलहाल के लिए क्या है, तनावपूर्ण शांति है, कई कर्फ्यू लगा दिया गया, कई एरिया में कर्फ्यू लगा दिया, स्पेशली नू के एरिया में 144 तो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में लगा दी गई है। राजस्थान में भी शायद, मुझे जहाँ तक मुझे ध्यान है, अलवर भरतपुर में 144 लगा दी गई है। इसके बाद गुड़गांव जैसे एरिया में तो वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो चुका है। अब देखते देखे आगे क्या डेवलपमेंट होता है। वर्तमान टाइम में हालांकि मैं कहूँ तो ये तनावपूर्ण शांति है, तनावपूर्ण शांति है, अभी फिलहाल शांति बनी हुई है। सेंट्रल पुलिस फोर्स है, सेंटर जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है, BSF वगैरह, ये वहाँ पर तैनात कर दी गई है। फिलहाल शांति है, और सबसे भी मेरा भी ये निवेदन है, शांति बनाए रखे दोस्तों, शांति सबसे जरूरी है। लड़ाई लड़ने में नुकसान आम व्यक्ति का होता है, जिसकी दुकान जल जाएगी बेचारा उसको जिंदगी भर लग जाएगा वो दुकान को दोबारा बनाने में, किसी का बच्चा मरता है, किसी का बेटा मरता है, किसी का भतीजा मरता है, लेकिन बाकी राजनीति तो चलती रहती है, तो इसलिए सब लोग शांति बनाएं। तो दोस्तों आज का मुद्दा इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।